So guys, I am inside the kitchen of Ottoman Cafe and मेरे साथ अभी भी है chef Poltu and इनका 9 साल का experience है. 8 साल का. Okay, 1 साल मैंने बढ़ा लिया खुशी में क्योंकि पनीर टिक्का इतना अच्छा था, मुझे लगा 9 साल है. 8 साल का इनका experience है और इन्होंने इसके पहले हमारे साथ पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर की थी. अब शेयर करने वाले हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए, है ना? हाँ नहीं, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन टिक्का. तो चिकन टिक्का कैसे बनता है अब शेफ पोल्टू बताने वाले. शेफ गो फॉर इट. सबसे पहले ले रहे हैं दही, 2 चम्मच लिया है, 3 चम्मच दही और अदरक लहसुन पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और कश्मीरी चिल्ली पेस्ट. कश्मीरी चिली पेस्ट. ये कैसे बना है आप एक बार बता दीजिए. इसको है ना कश्मीरी मिर्ची को बॉईल करना होता है, बॉईल करना होता है, उसके बाद ग्राइंडर करना होता है. ओके, उसके बाद में नींबू डाल दूंगा. नींबूड़ा स्क्वीज किया इन्होंने नींबू, और एक पीस डालूंगा. और एक पीस, क्या बात है. उसके बाद में मसाला में जाऊंगा. सो लेट्स सी व्हाट मसाला इज पुटिंग. क्या डाला है आपने? हल्का सा नमक डाला है स्वाद अनुसार. हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर और किचन किंग मसाला और गरम मसाला. हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला. थोड़ा सा चाट मसाला. सब थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा डाल दिया इन्होंने. थोड़ा हरा मिर्ची पेस्ट. मिर्ची हरा मिर्ची पेस्ट भी वैसे ही उबला है. नहीं, सीधा आपने मिर्ची पेस्ट कर देना. ओके, और ये अब आपको यहाँ पे इसमें राई का तेल डालना है. थोड़ा पीछे ले सकते हो तू अभी. सो इन्होंने राई का तेल भी डाल दिया है. किचन वेरी हॉट देन वी डोंट मिस एनीथिंग. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज हैव दिस मेरी तीसरी आंख. दैट्स द गो प्रो हीरो. सो गाइज ऐसे ही अब आपको मैं बता, मलाई टिक्का हमारे चैनल पे वो भी आप देख सकते हैं और इन्होंने पनीर टिक्का भी शेयर किया है और अब ये चिकन टिक्का है. वेरी पॉपुलर डिश एंड हियर वी गो. हो गया. और राइट अब इसमें अब आपने चिकन लूंगा. बोनलेस चिकन लिया आपने? लेग बोनलेस है. अच्छा, ये लेग का बोनलेस वाला है. इस पे ना पानी निचोड़ लूंगा अच्छा से. अच्छा, तो मसाला को पकड़ के रखूंगा. ओके, चिकन को ऐसे स्क्वीज करना. पहले पानी में आपने डुबो के रखा था? नहीं, इसको धोना पड़ता है. अच्छा, धोने के बाद अच्छे से पानी सुखा के निचोड़ के आपको फिर बनाना होता है, नहीं तो पूरा मसाला गिर जाएगा. हाँ हाँ, समझ गए. यस, थैंक यू सो मच शेफ. हो गया, फिर इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट मारूंगा. ये क्या है? अदरक लहसुन पेस्ट. ओके, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने ये हल्का सा मिलाना है. मिक्स इट वेल. अच्छा, ये मसाला मिलाने से पहले आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और उसके ऊपर अब आपने राई का तेल का इस्तेमाल किया है. I will be marinating it. अच्छा, इसको कितने देर तक मैरिनेट करना होता? इसको आप ऑन द स्पॉट लगाओगे नहीं होता है, लेकिन थोड़ा 10 मिनट जाने देगा ना मसाला में. जितना देर आप मैरिनेट करो उतना स्वाद ज्यादा बढ़ेगा. मतलब आधा घंटा भी रखो, एक घंटा रखो. अच्छा, इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं? हाँ, फ्रीज करोगे तो एक दिन तक चला सकते हैं आराम से. इसको एक दिन फ्रीज करके आपके जब मेहमान घर पे आएंगे तब भी आप इसे खा सकते हैं. ये देखिए कैसे लगा रहे हैं ये पीसेस. वाओ, नाइस. अच्छा शेफ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे. अगर किसी के घर पे तंदूर नहीं है तो यही मसाला लगा के हम सीधा उसको पैन पे भी फ्राई कर सकते हैं? नॉनस्टिक पैन में कर सकते हैं. ओके गाइस, सो इफ यू डोंट हैव अ तंदूर एट योर प्लेस, अगर आपके घर पे तंदूर नहीं है तो आप किसी भी नॉनस्टिक पैन में इसे सीधा आप ऐसे पीस रख दो. पूरा एकदम स्लो पे, एकदम स्लो आंच पे आप उसे हल्का सा तेल, शैलो फ्राई, हल्का सा तेल डाल के आप उसे फ्राई कर सकते हैं.
अभी इसे स्क्वेयर्स में लगा देते हैं। Here we go। तो कितने पीस आ जाते हैं एक प्लेट में? एक प्लेट में सिक्स पीसेस अच्छे खासे हैं। पिछले दिन आप ये खा सकते हैं वैसे, बट सर्दियों में इसका मज़ा ही अलग होता है। सो आई विल टेल यू व्हाट दिस इज अगेन अ विंटर स्पेशल रेसिपी कमिंग अप फॉर यू। लुक एट दैट मसालेदार चिकन टिक्का, बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। Wow, we need a like, share and subscribe, yeah, we do a lot for you, alright? Mumbai में अब हम Ottoman Cafe के किचन में हैं, किचन में किसी को भी अलाउड नहीं होता है, हमें कर दिया है। कितने देर अभी इसे तंदूर करना होगा शेफ? इसको 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट तंदूर करेंगे, let's go! Guys, I'm here at the Ottoman Cafe and मैं आपको बता देना चाहता हूँ, have a look, ambience बहुत ही बढ़िया है और if you are in Mumbai, you need to be here at Ottoman Cafe. Timings आपको बता दिया है, कभी भी आप enjoy करना चाहते हैं, play Scrabble with your friends या Uno खेलें, board games हैं यहाँ पे and crowd is fantastic. And let's see how's the tikka. So this is the chicken tikka, इसको मैं sample करूँगा और आपको बताऊँगा इसका स्वाद कैसा है, आ करिए। मैं खा लेता हूँ। वैसे किसी वजह से अगर आप मुंबई नहीं आ पाएंगे तो आप घर पे इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, रेसिपी हमने शेयर की आपके साथ में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा था कि खाना बहुत अच्छा होगा। काफी बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट जो है एम्बियंस पे इतना फोकस कर लेती है कि फूड को इग्नोर करती है, बट दीज गाइज आर आपका दिमाग। सो वंस अगेन एम्बियंस अच्छी है, गेम्स आप एंजॉय कर सकते हैं एंड फूड इज फैंटास्टिक। इफ यू आर इन मुंबई डेफिनेटली यू नीड टू बी हियर, और नहीं आ पा रहे हैं तो घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल माय काइंड ऑफ प्रोडक्शंस। दिस इज मोहसिन खान साइनिंग ऑफ विद येट अनदर बाइट। कीप ईटिंग, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। चीयर्स। सो गाइस आई एम हियर एट द ऑटोमन कैफे एंड विद मी इज द ओनर सुफियान हैदर। सुफियान थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। यू नो आई शुड थैंक यू फॉर कमिंग हियर, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ मोहसिन भाई। You know, all my staff is a big, very big fan of Mohsin bhai now. They always, matlab, from yesterday, they are, whole day I think they are just watching Mohsin bhai's videos and everything. So I think I should thank you for coming over here. Cheers. And I'm really very thankful for you guys to come over here. Thank you so much, in fact, for having us here. Sufyan, I can see the place is very happening. Acha, main bata do, ye youngsters in Mumbai, you cannot ignore this place. Ottoman Cafe, why Ottoman? What is the name? Ottoman Cafe, kya? Listen, the thing behind this place was when I started this place, I was 23, right now I'm 27. So even I was very young that time. And right now the plan over here was to start a place which would be very comfortable for the young people plus the old people, not too old, above 30, 32, 33, 34. So our plan was to start a place where youngsters can come and chill, not spend too much over here. There's a pool table over here, right over here you can see. And the food is not so expensive. The food quality is good. Value for money, रखा है आपने. Value for money. अच्छा यहाँ पे board games भी है और सब है. So you know when a group of people, college crowd and something, when they come. When I was in college, there was no place to hang out. There was no place to chill for 2-3 hours, board games and all. So basically the idea behind this place was to get people over here and time pass हो जाए उनका. मतलब time pass भी होना. They sit मतलब बहुत time तक बैठे, एक दो घंटा बैठ जाए, time निकल जाए, time का पता ना चले. अच्छा मतलब simple है, simple बात में आओ खाओ जाओ नहीं है, आओ खाओ enjoy करो और फिर बैठो, फिर जब जाने का मन होगा तब जाओ. अगर timing क्या